को अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो दे, वहाँ पर उसका 7 to 8 लेख का एवरेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील कुमावत और आज मैं बातचीत करने जा रहा हूँ एक ऐसे सीए से जिन्होंने टाइम पर सीए कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। क्योंकि सीए करने में 5 साल 6 साल भी लग जाते हैं, कुछ को ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और मिनिमम जो है 4.5 साल में सीए कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं आज बातचीत करने जा रहा हूँ मिस्टर शुभम से, वैसे तो मेरा कलीग भी हैं और इन्होंने अपना सीए जो है वो जो टाइम मिनिमम टाइम है उसमें कंप्लीट कर लिया है। तो आज यदि आपके पास कोई भी ऐसे सवाल है जैसे कि सीए बनते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, सीए बनना कैसे है, कौन कौन सी एग्ज़ाम देना है, खर्च कितना आएगा, सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो बातचीत करते हैं शुभम सर से। शुभम सर, आप थोड़ा सा आप चाहें तो कलर पर लगा लीजिए इसको, हाँ। है ना, और मेरे स्टूडेंट्स को आप बताएं या जो भी देख रहे हैं उनको आप बताएं, दर्शकों को, कि थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में, हाँ, बताएं। मेरा नाम है शुभम मुणत और मैं यहाँ पर एक विलेज से बेस्ड हूँ, विलेज में मैं रहता हूँ, पेटलावत से मैं बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर कुछ भी फैसिलिटीज़, मतलब एजुकेशन फैसिलिटीज़ जनरली मतलब ऐसा अवेलेबल नहीं रहती है, तो हमको यहाँ से मतलब इंदौर या नियर बाई कोई बड़े प्लेस पर जाना पड़ता है सब प्रिपरेशन के लिए। तो अगर हमको सीए करना है तो इंदौर मतलब बहुत सारी क्लासेस है वहाँ पर, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो वो एक बेटर प्लेस रहता है। मान लीजिए कोई बच्चा 12th पास किया है तो 12th पास करने के बाद उसको कौन सी एग्ज़ाम देना होगी? 12th पास करने के बाद सीए करने के लिए सबसे पहले सर दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप 12th के बाद भी ऑप्ट कर सकते हैं सीए करने के लिए, या सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहता है आप बीकॉम के बाद भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें मतलब 3 लेवल रहते हैं, एक एंट्रेंस लेवल रहता है, एक इंटरमीडिएट लेवल रहता है और एक फाइनल लेवल रहता है। अगर 12th के बाद आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एंट्रेंस लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, पर अगर आप बीकॉम के बाद स्टार्ट करते हैं तो आपको एंट्रेंस लेवल से एग्जेम्पशन मिल जाता है, तो फिर आप मिडिल लेवल से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, खैर इस बारे में तो हम ज़्यादा बातचीत करेंगे, हाँ। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, जैसे आपने ये आपका जो सर्टिफिकेट लगा हुआ है सप्लीमेंट्री, जो सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो ये आपने कब सी ए कम्प्लीट, कब हुआ आपका? मेरा सर जनवरी 2019 में सी ए कम्प्लीट हो गया था। मतलब सीए में सर हर 6 मंथ्स में एग्ज़ाम होती है, मतलब हर मई में और हर नवंबर में, मतलब एवरी ईयर 2 एग्ज़ाम्स होती है। तो नवंबर 2018 में मेरा कंप्लीट हो गया था और जनवरी में रिजल्ट आया था मेरा। अच्छा, अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भी आपने 4.5 साल में ही जो है, हाँ, कंप्लीट कर लिया, हाँ, और वैसे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, हाँ। तो ये ज़्यादा टाइम क्यों लगता है, या आपने कम टाइम में किया, कम टाइम किस वजह से लगा? सर इसमें दो ऐसा रहता है कि जैसे इंटरमीडिएट जो लेवल रहता है, मिडिल लेवल, और एक जो फाइनल लेवल रहता है, वहाँ पर दो ग्रुप होते हैं, मतलब टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं और 8 सब्जेक्ट को 4-4 सब्जेक्ट के दो ग्रुप में मतलब डिवाइड करके रखा हुआ है। तो कोई स्टूडेंट 1 by 1 करके भी ग्रुप ऑप्ट कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है, या कोई स्टूडेंट को अगर कॉन्फिडेंस है, उसकी प्रिपरेशन पूरी है, तो वो दोनों ग्रुप एक साथ भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो अगर दोनों ग्रुप अटेम, जैसे कि 6 महीने में एक बार एग्ज़ाम होती है, तो अगर मैं 1 by 1 देता हूँ तो मेरे 6 महीने एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट अगर मैं दोनों ग्रुप एक साथ देता हूँ तो मेरे 6 महीने बच सकते हैं, वो 6 महीने इंटरमीडिएट लेवल पे भी बच सकते हैं और 6 महीने फाइनल लेवल पर भी बच सकते हैं। मतलब दो दो ग्रुप साथ में देंगे तो आपको जो है कम टाइम हो जाएगा, हाँ। लेकिन यदि आप वन एक ही ग्रुप पर भी दे सकते हैं, आपको लगता है कि यार एक साथ नहीं कर पाएंगे, हाँ। अच्छा, बात ये है कि जैसे आप 12th पास हुए उसके बाद आप फाउंडेशन की तैयारी करने गए, हाँ। तो ये बात तो तय है कि भी सर कोई कॉलेज वगैरह ढूंढता नहीं, हाँ, कॉलेज आपको कोचिंग वगैरह तो ज्वाइन करना पड़ेगी, कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगी। वैसे कितना ऑन एवरेज कितनी फीस चार्ज करते हैं? मैं सिर्फ कोचिंग फीस की बात कर रहा हूँ, मैं रहने करने की बात कर रहा हूँ। सर तीनों लेवल का अगर मिला करके हम देखें तो समथिंग 1 and 1.25 lakhs के समथिंग, मतलब तीनों लेवल का जो 4 साल की जो टोटल पढ़ाई है, 4 साल का मिला करके 1.25 lakh के समथिंग। जैसे कोई स्टूडेंट है, हाँ, वो 11th और 12th उसका कॉमर्स सब्जेक्ट है, उसको सीए करने का डिसीजन कब लेना चाहिए? मतलब वो किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मतलब उसको सीए करना है कैसे, सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए?
तो सर इसमें 11 ट्वेल्थ में कॉमर्स सब्जेक्ट में जैसे अकाउंट्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, तो जो फाउंडेशन लेवल होता है हमारा वहाँ पर भी हमको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो अगर इस सब्जेक्ट में किसी पर्सन का, किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है या वो स्ट्रॉन्ग है, तो मतलब वो सोच सकता है कि उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सी मतलब यदि आपका अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको सीए की तरफ सोचना चाहिए। यदि आपका अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में डब्बे गोल है तो फिर कुछ और करो यार, फालतू में ना उलझो, राइट है ना सर? हाँ सर बिल्कुल। तो अब दूसरी चीज़ ये कि जैसे कोई स्टूडेंट ने, यदि ये साइंस वाला भी आ सकता है सर, पर लेकिन वो आएगा तो उसका स्वागत नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन में जो है उसको इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। हाँ। और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स जब 11 12 में जिस बच्चे ने पढ़ा है उससे उसको कंपेयर करना, उसको जो है कम्पीट करना मुश्किल रहेगा। तो वैसे तो ये सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए ही ऑप्शन है, और एक ही तो ऑप्शन ठीक अच्छा है यार, रहने दो ना, क्यों आप जरूर कुछ करो ना, इंजीनियरिंग करो, साइंस लिया है तो डॉक्टर बनो, क्या मतलब है सी ए कॉमर्स वाले के लिए रहने दो क्या? अब मेरा ये क्वेश्चन है सर कि आप जैसे सीए फाउंडेशन है तो उसमें लॉन ऑन एवरेज आपने कितनी पढ़ाई की है बताओ आप, या कितनी पढ़ाई करना पड़ेगी लगभग? सर पढ़ाई जैसे सीए फाउंडेशन है तो हमको अगर 12th जैसे मार्च में जनरली एग्ज़ाम ख़त्म होती है तो उसके बाद जून में एग्ज़ाम होती है सीए फाउंडेशन, तो हमको ऑन एन एवरेज 3 months मिलते हैं, तो वो 3 months है वो हमको पूरा पढ़ाई में देना पड़ेगा। मतलब वहाँ पर हमको रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना पड़ेगी, क्लासेस भी उसमें रहेगी हमारी, तो क्लासेस भी रहेगी और साथ में हमको सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आवर्स में मतलब सर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर स्टूडेंट का मतलब अलग अलग कैपेसिटी होती है, कोई 2 घंटे में ही बहुत सारा पढ़ सकता है, कोई कुछ घंटों तक बैठे रहकर भी और कवर नहीं कर पाता है, तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल वाइज। मान लीजिए आपने सीए कंप्लीट कर लिया तो अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, मतलब उसको जॉब मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, या उसको अपना खुद का ऑफिस स्टार्ट करना पड़ेगा, या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? सर सीए करने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है, हम जॉब कर सकते हैं, जॉब में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है हमको किस टाइप की जॉब करना है, उसके बाद प्रैक्टिस हम कर सकते हैं अपना ऑफिस स्टार्ट करके और हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, या एक ऑप्शन हमारे पास बिजनेस करने का भी रहता है। मतलब हम ये जो कोर्स है ये थोड़ा इस तरीके से डिज़ाइन है कि मतलब इसमें हमको अकाउंट्स, टैक्सेशन और जो कॉमर्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका मतलब अच्छा नॉलेज हो जाता है, तो बिजनेस करने में वो मेरा ये है कि मान लीजिए किसी ने सीए कंप्लीट किया है तो एक इनिशियल लेवल पर कितने अमाउंट, मतलब कि सालाना अमाउंट कितने की जॉब मिल सकती है, शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं। एवरेज जैसे इंस्टीट्यूट की जब एग्ज़ाम क्लियर होती है तो इंस्टीट्यूट हर एग्ज़ाम के बाद एक कैंपस भी ऑर्गेनाइज करता है, तो ऑन एन एवरेज उस कैंपस में जो जॉब लगती है सीए लोगों की स्टार्टिंग लेवल पे, वहाँ पर उसका 7 to 8 lakh का एवरेज मतलब आता है, तो 7 से 8 lakh रुपये सालाना है ना। मतलब ऑन एवरेज यदि किसी आपने सीए किया है तो भाई आप यदि जॉब भी सर्च कर रहे हैं शुरुआत में तो 60-70 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार रुपये आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? सर सी फाउंडेशन में सर अकाउंट्स होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है, एक मैथ्स भी होता है सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके साथ में एक बिजनेस लॉ भी सब्जेक्ट होता है। बिजनेस लॉ है ना, बिजनेस लॉ, बिजनेस से रिलेटेड कानून वगैरह। और ये यदि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो डायरेक्ट आप फाउंडेशन आपको नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आप बीकॉम के बाद अगर जाते हैं तो? हाँ, तो फाउंडेशन के बाद में कौन सा? इंटरमीडिएट। हाँ, तो इंटर में आप, इंटरमीडिएट में यदि आप जाते हैं तो फिर वहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? वहाँ पर सर कुछ सब्जेक्ट है जो इन्हीं का मतलब एक्सपेंशन रहता है, इन्हीं का एक्सटेंशन रहता है, और कुछ नए सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, और बाकी अकाउंट्स जो है अकाउंट्स रहता ही है वहाँ पर भी, क्योंकि ये 3 महीने में मतलब पूरा अकाउंट्स ख़त्म नहीं हो जाता है, अकाउंट्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो अकाउंट्स भी वहाँ पर रहता है, और बाकी साथ में दूसरे सब्जेक्ट भी ऐड हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर जो तीसरा पड़ाव है उसमें क्या करना है? उसमें सर वापस उसमें ये जो सब्जेक्ट मतलब इंटर लेवल पे स्टार्ट हुए हैं, जो वहाँ पर जो सब्जेक्ट मतलब वहाँ पर स्टार्ट हुए उन्हीं का वापस एक्सटेंशन हमको फाइनल लेवल में देखने को मिलता है, और प्लस फाइनल लेवल में सर थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड एग्ज़ाम होता है, क्योंकि जब फाइनल एग्ज़ाम को स्टूडेंट देता है तब तक वो 3 साल की आर्टिकलशिप होती है इसमें, तो वो भी
तब तक कवर हो जाती है, तब तक वो भी पूरी हो जाती है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी स्टूडेंट को हो जाता है, तो वो उस बेसिस पर एग्ज़ाम होती है। अच्छा, कोई ऐसा गुरु मंत्र आप देना चाहें कि जो आने वाले स्टूडेंट जो सीए वगैरह की तैयारी करना चाहते हो, तो उनके लिए आप कोई ऐसी कोई बात जो जो एक सीए के स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए? अगर सर ऐसी कोई बात है तो मतलब अगर मूल मंत्र अगर एक देना है कि सीए करने के लिए क्या मूल मंत्र है, तो हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी को हम एक बोल सकते हैं कि ये मूल मंत्र है। कंसिस्टेंसी से मतलब ये सर कि हमको रेगुलर पढ़ाई करते रहना है। जैसे अब इंटर एग्ज़ाम होने के बाद हमको 3 साल मिलते हैं फाइनल की पढ़ाई के लिए, तो वो 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है, तो उसमें मतलब काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी हम मोटिवेटेड होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी हमको लगता है कि कहाँ फंस गए हैं। बाकी हमको फिर भी रेगुलर मतलब पढ़ाई करते रहना है, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स हो, हमको कंसिस्टेंट रहना है। नहीं देखिए, एक बात ये है कि आप ठीक है भैया, आपने देख कम टाइम में जो है आपने सीए कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं देखा बहुत सारे जो सीए बनने की शुरुआत करते हैं लेकिन बीच में से छोड़ देते हैं, तो ऐसा होता है या नहीं होता है, या ऑन एवरेज कितने लोग हैं जो सीए बन जा पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं? अगर सर फाइनल एग्ज़ाम हम देखें सीए फाइनल, तो उसका रिजल्ट रेंज करता है 12% के समथिंग रेंज करता है वो, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज 12% के आसपास रिजल्ट आता है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है, मैं 3 पॉइंट मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ कि यदि आपका अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स अच्छा है, आपको सीए चूज कर लेना चाहिए। आप यदि सिक्योर जॉब चाहते हैं या फिर आप अपना खुद का प्रोफेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपको सीए कर लेना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंट हैं, आप जो है बराबर लगातार पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर आपको सीए कर लेना चाहिए। ठीक, तो आई होप कि आपको सीए के लिए बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद।